जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। योगी जी ने पाक को दी न्यूक्लियर बॉम्ब की वार्निंग, पाकिस्तान मीडिया शॉक। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान में आटा नहीं मिल पा रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, एक भिकमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। इस कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए। हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना। आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस खत्ते को भी अच्छे तरीके से संभाल सके। हमारे पास हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है, हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, हो कहीं भी होगा। योगी ने कहा कि भारत के पास भी एटम बम है और एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। ये न्यूज नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लंदन लूटा है, आधा लंदन आपका है इस वक्त, अमेरिका आधा लूट कर आपके खा गए आप। टोरंटो फेवरेट डेस्टिनेशन है, आधा टोरंटो अब कैश मिलियंस में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। बॉर्डर के उस पार कश्मीरी भाई है ना, उन पर बहुत ही एक बुरा इम्पैक्ट जा रहा है। वो सोचेंगे कि यार इससे अच्छा ये तो हमें आजाद करवाने के बाद, इससे अच्छा है कि हम स्लेवरी अच्छे हैं, हम गुलाम ही अच्छे हैं। के साथ कंपेयर ना करें, उसकी वजह ये है कि उनके 600 बिलियन है, आप एक एक बिलियन के लिए चाट रहे हैं तलवे। आइए आजाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान की शाहरख कहा जाता था, आज वहां से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं और ये मेरे लिए बड़ी काबिले जो है तजलील बात है। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान हर वक्त भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता रहता है और इस वक्त हमारे भारत के ही कुछ पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे थे। तो इस पर आज हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान की इस धमकी को लेकर के। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम भारत पर चला सकता है तो भारत के पास भी पाकिस्तान से अच्छे क्वालिटी के न्यूक्लियर बम्स मौजूद है जो भारत भी इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और भारत ने कोई इन न्यूक्लियर बम्स को फ्रिज में रखा हुआ नहीं है और अब पाकिस्तान समझ चुका है भारत की ताकत, इसलिए पाकिस्तान भारत में कुछ छोटे से भी इंसिडेंट होता है तो ये कहने लग जाता है कि इनमें उनका हाथ नहीं है। क्योंकि अगर भारत को पता चला किसी भी चीज़ में पाकिस्तान का हाथ है तो भारत पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान को मारेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लास को श्रेणी की AK-203 राइफल दे करके आज भारत के जवानों के हाथों में जब ये राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है, वह भी थर्राता है, उसको भी भय होता है। और तभी तो पाकिस्तान बोलता है ना, जब मजबूत सरकार होती है और राइफल आपकी अमेठी में बनती है, अब दुश्मन भी क्या बोलता है, अगर पटाखा जोर से फट जाए ना, कहता नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है इसमें, वो पटाखा फट रहा है। पहले ये कांग्रेसी क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी के लोग पहले जब उन्हें समर्थन करते थे तब वो क्या कहते थे, कोई आतंकी घटना घटित होती थी कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब के प्रति ये कार्य करने वाली सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो, उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है, हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, हो कहीं भी होगा। यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती है। और किस पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, आपने तीन दिन से लगातार देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान में आटा नहीं मिल पा रहा है,
खाने के लाले पड़ रहे हैं। एक भिकमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहता हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है। जाओ ना भिकमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो वहां जाकर के। कि आजाद कश्मीर से कश्मीरों ने जितने पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे मुख्तलिफ मकामात पर, उन सबको उतार दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे घटिया हरकत है। हमें ना अकलीती और हमें इस्लाम ने जो है ना अकलीती लोगों के लिए भी ना उनके हकूक के तहफ़ के लिए हमें हुक्म दिया है कि हमने मजहबी इबादत गाहों को भी नहीं तोड़ना जो हमसे अकलीती लोग हैं। वो तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी आज़ादी है, उनकी आज़ादी राय है, उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क के लिए झंडा लगा सकते हैं कहीं भी। दूसरी बात जो है ना, ये हुक्मरानों के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्री है कि हम हमेशा तब भी जागते हैं, तब भी अवाम के लिए कुछ करते हैं जब हम देखते हैं कि अवाम ने ना कुछ जाने दी हैं। हमें जाने लेने से के अलावा हमें तो हम जागते नहीं हैं, ना हम उनकी खिदमत करते हैं, ना उनके लिए कुछ करते हैं। और मुझे लगता है कि कश्मीर लोगों के हकूक़ का ना नजायज़ फ़ायदा उठाया गया है, उनके हकूक़ सलब किए गए हैं, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई की गई है और उसमें पाकिस्तानी हुकूमत का भी बहुत हाथ है। तो वो कह रहे हैं ना कि हमें पाकिस्तान की हुकूमत से निजात चाहिए, हमें पाकिस्तान की हुकूमत से आज़ादी चाहिए, हम जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं, हम आज़ाद कश्मीर हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। अच्छा। हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना। आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस खत्ते को भी अच्छे तरीके से संभाल सकें, या तो हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें और कश्मीर के लोगों को हकूक दे सकें, अदरवाइज हमें उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। जिस तरह हम ये डिमांड करते हैं ना कि इंडिया कश्मीर को आज़ाद करे, मकबूजा कश्मीर को, फ़लस्तीन को, इसराइल आज़ाद करे, तो कश्मीर भी हमसे डिमांड करता है कि उन्हें आज़ादी चाहिए और उनका राइट बन जाती है। अब आपको पता है वहाँ पे आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई है, जिस तरह वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं, इसका और क्या मतलब है? लाइक हम कह रहे थे कि हमने मकबूजा कश्मीर में, जिसे हम कहते हैं इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हमने वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराना है, उसको पाकिस्तान के साथ इलहाक करवाना है, और हमारे लिए एक बड़ी काबिल गौर और बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज़ाद कश्मीर से आज पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। उसकी सिर्फ एक ही वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों का उन लोगों के साथ रवैया, हमने उन लोगों को कभी सक्का बेटा समझा ही नहीं है, उन्हें हमने हमेशा सौतेला समझा, हमने उनके हकूक के लिए कभी कुछ नहीं किया। और मेरे ख्याल से वो अब राइट पे हैं, उन्हें अब आज़ादी चाहिए और उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। वो लोग पाकिस्तान के बनने से पहले भी कैदों सौबंद की पाबंदियों में थे, आज भी वो बेचारे एक तरह के कैदी हैं, तो उनके हकूक पे माल हो रहे हैं, उनको आज़ाद कर देना चाहिए। और जो उनके अंदर नफरत है ना हमारे झंडे उतारना, ठीक है वो उसको अब इस तरीके से आज़ादी राय करते हैं, और ये उन लोगों को हमने मजबूर किया है कि वो यहाँ तक आ पहुँचे हैं, वरना वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तानी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, उनका हक मारा है। अब आप देखें ना, वो जिस वजह से वो इशू उठा ना, वो वहाँ पर महंगाई की वजह से एक स्ट्राइक हुई, आपने एक चीज़ नोट की होगी, 3,000 रुपये गंदम जो है ना वो मन मिलती है आटा, और आपको पता है जब आप यहाँ एक पिज़्ज़ा खाने आते हैं ना लार्ज, वो भी 3,000 का मिलता है। तो कितनी बड़ी एक ज्यादती है उन गरीब किसानों के साथ जो बेचारे इतनी मेहनत करके उस गंदम को पहले उगाते हैं, बाद में उस गंदम को आवाम तक भी महंगे दामों में बेचा जाता है, और जो ताजा बरादरान है, जो हुकूमत है, वो अपनी मर्ज़ी के फ़ायदा ले लेती है, जिससे उन लोगों के हकूक सलब होते हैं, उनके बच्चों को रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, वो बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। तो हाँ, ये इलेक्शन में दोस्तों बहुत कुछ पाकिस्तान से स्टेटमेंट आई है, भीख मंगा पाकिस्तान, भूखा नंगा पाकिस्तान, जो भी आपको वो पाकिस्तान को टैग सूट होते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए लगाने भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पीओके के साथ भी लोग अन्याय कर रहे हैं, जिस हिसाब से बलूचिस्तान के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो उसके लिए टैग बेटर है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।